जय हिंद दोस्तों, जय महाकाल। मैं आपका दोस्त बुलेट सिंह स्वागत है आपका क्षत्रिय प्रणाम के अगले अभ्यास में। दोस्तों आज अपन जानेंगे समतोला के बारे में, गधे के बारे में, मुदगर के बारे में। यानी इन तीनों चीज़ें अलग है, इन तीनों को भी करने का स्टाइल टोटली अलग रहेगा। कई सारे लोग गधे को भी एक साथ ही इस्तेमाल करते हैं, उसका मुदगर को भी एक ही तरह से इस्तेमाल करते हैं, और कई सारे लोग समतोले को तो बहुत ज़्यादा गलत इस्तेमाल करते हैं, जिसके अंदर उनका कमर टूटने के 99% चांसेस है। यानी स्लिप डिस्क हो सकता है, वो कमर से एकदम लाचार हो सकते हैं समतोले का अगर आप गलत अभ्यास करेंगे तो। ठीक है, सबसे पहले शुरुआत करते हैं मुदगर से। मुदगर से अपन कई सारे मुदगर, समतोला और गधे से कई सारे अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन कुछ यानी जितना मेरे से हो सकेगा आज उतने आपको मैं अभ्यास बताने का प्रयत्न करूँगा। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले मुदगर से। दोस्तों ये है मुदगर। सबसे पहले आपको बता दूँ कि फ़र्क, मतलब मैं बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि कई सारे जो बिगिनर्स हैं अभी उनको भी मुदगर और गधे के अंदर फ़र्क नहीं पता। वो लेना चाहते हैं मुदगर लेकिन मुझे बोलते हैं गधा चाहिए हमें, गधा चाहिए हमें। सबसे हार्ड अगर अपने देसी एक्सरसाइज में यानी देसी अभ्यास के अंदर सबसे अगर मुश्किल कोई एक्सरसाइज है जिसका अभ्यास है वो है गधा। तो भाइयों इसको बोलते हैं मुदगर। गधा गधा दो, ये है दोस्तों गधा। जो मेरे बिगिनर्स भाइया हैं, मेरे छोटे भाइया हैं, ये है गधा। सबसे ज़्यादा मुश्किल अभ्यास इसी का रहता है। सबसे पहले इसको प्रणाम करना बहुत ज़रूरी रहता और इसका अभ्यास भी मैं आज आपको बताऊंगा, बेसिक अभ्यास बताऊंगा आप लोगों को। जो बिगिनर्स हैं उनके लिए, जो सीनियर्स हैं उनको तो इसका पता अभ्यास ही मालूम ही है। पकड़ो समतोला दो, और दोस्तों ये है समतोला। यानी कंप्लीट बॉडी के लिए ये चीज़ है। आपकी कौन सी हड्डी, आपका कौन सा ऑर्गन और आपका कौन सा ऐसा मजल नहीं रहेगा जो इसके अंदर इसी अपना प्रभाव नहीं बताएगा। तो ये तीनों अलग चीज़ है, ये तीनों का भी अलग अलग अभ्यास मैं आपको बताऊंगा आज, बताने का प्रयत्न करूंगा। बिगिनर्स के लिए कई सारे अभ्यास है लेकिन जितने हो सके उतने आज आपको मैं अभ्यास बताऊँगा। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए दोस्तों ये इसको बोलते हैं मुदगर जोड़ी। यानी जोड़ी यानी एक हाथ की आती है और दो आते हैं मुदगर, जिसके अंदर आपको शुरुआत में ये तो सभी को मालूम है सेल, लेकिन इसके अंदर आपको असर तब गिरेगा यानी जब आप उसको श्वास लेने का आपको सही तरीका रहेगा, इनहेल और एक्सहेल का सेल। जैसे पीछे जाते वक्त आपको श्वास खींचना है, सामने लाते वक्त आपको श्वास छोड़ना है और रोकना है। सामने लाकर बाहर, जब बाहरी कुंभक जिसको बोलते हैं, रोको बाहरी कुंभक लगाओ, श्वास बाहर फेंकने के बाद जिसके पास जितनी कैपेसिटी रहती उतना वो लगा सकते हैं। तो हमारे आकाश थोड़ा बिगिनिंग में है, बाहरी कुंभक इनसे ज़्यादा नहीं होता। मैं आपको एक बार करके बता दूँ, ये देखिए जैसे मैं एक अभ्यास आपको करके बताऊंगा, भीतरी कुंभक और बाहरी कुंभक दोनों बताऊंगा आपको मैं। जब आप इसको पीछे ले आ रहे, इसके अंदर मुश्किल दो कुंभक है दोस्तों, जब आप इसको पीछे ले आ रहे तो यहाँ पर रोक सकते हैं आप, श्वास अंदर खींच के इसको रोक सकते हैं। आपका रिब केज, आपका लैट्स और गेस्ट फैन के ऊपर भी इसका असर गिरेगा। ये कुंभक बिगिनिंग के जो बिगिनर्स है उनके लिए, जो शुरुआती दौर में उनके लिए तो ये थोड़ा कठिन होगा। जैसे कि देखिए आपका ट्राइसेप का मजल और आपका आर्म का मजल के ऊपर, इसके ऊपर बहुत सारा खींचा हुआ। जिम के अंदर जाकर आप 25 किलो का ट्राइसेप मारते होंगे लेकिन ये 5 किलो का, 2 किलो का भी मारना आपको मुश्किल रहेगा कुंभक में अपने देसी अभ्यास के अंदर क्षत्रिय प्रणाम में। तो एक बार देखिए, मुदगर अभ्यास के अंदर ये मानना आसान है, कोई भी मान लेता है, ये छोटा बच्चा भी मारता और बड़े बुजुर्ग भी मान ले सकते हैं। लेकिन मज़ा तो तब है जब कोई एक जवान इसको अपनी पूरी ताकत से बाहरी कुंभक और भीतरी कुंभक लगा के इसको अगर मार रहा, तब इसका पूरा पावर मिलेगा आपको। जैसे कि भीतरी कुंभक और बाहरी कुंभक यानी पीछे ले आ रहे, श्वास खींचे
जितनी आपने क्षमता है उतना इसको रोकने का अभ्यास कीजिए, प्रयास कीजिए, देखिए आपको कहां पर गिरता मजल मजल। छोटे मोटे चीज़ें तो आपको गाजर मूली दिखेंगे, जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े रहते आतंकवादी ये वो, उसको तो गाजर मूली की तरह आप भगाने की आपको क्षमता आ जाएंगी। हमेशा एक बात याद रखिए, ताकत का गलत इस्तेमाल कभी भी नहीं रहना, हमेशा अपनी माँ बहन की सुरक्षा, देश की सुरक्षा के लिए ही ये लगाइए। ये बाहरी कुंभक, पूरी सांस आपको बाहर फेंक के होल्ड करना है। जितना हो सके उतना। और एक बात दोस्तों, कभी भी आप क्षत्रिय प्रणाम कर रहे हैं, कुछ भी अभ्यास कर रहे हैं, आपका लंगोट पहनना बहुत जरूरी। सबसे चीज़ पहली लंगोट है, लंगोट के बाद ही आपकी बॉडी में हीट आना जरूरी, यानी वार्म अप अच्छे से करना। वार्म अप के लिए छोटे छोटे मुद्गर बहुत काम आते, इससे आप 500 बार कर सकते हैं, 1000 बार कर सकते हैं, और आपकी पूरे बॉडी को ही ना अच्छे से वार्म अप करके फ्री कर देंगे। यानी इसके अभ्यास से आपके हाथ पैर के अंदर गर्मी ज़्यादा आएंगी, जो जकड़न है अकड़न है हड्डियों की, इससे चलेगी मज़ल, एकदम आपका फ्री हो जाएगा। तो ये 2 से 3 किलो का छोटा सा मुद्गर, ठीक है, पूरा वार्म अप होने के बाद में ही आप मुद्गर के अभ्यास को जाइए। देखिए कभी भी छोटे से स्टार्ट करिए, उसके बाद बड़े पे जाइए। अपन जाते कि सीधा पहले 10वीं सीढ़ी नहीं चढ़ते, पहली सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी, ऐसा चढ़ने के बाद में बड़े अभ्यास की ओर जाते। तो ये होने के बाद ही आप 10 किलो का, 15 किलो का, अरे तो मुझे कल एक हमारे तेलंगाना भाग्यनगर से हमारे भाई है अश्विन बोलकर, उन्होंने मुझे कल रात में 50 किलो का ऑर्डर बनाओ बोल के बुलाया, 50 किलो का मुद्गर। अगर वो बन के अगर उन्होंने 100 बार घुमाए तो मैं उनको मेरे ओर से एक मुद्गर 50 किलो का और फ्री गिफ्ट करूँगा। तो देखिए दोस्तों, जज्बा बढ़ रहा है अपने यूथ के अंदर, अपने युवाओं में इसका जज्बा बढ़ रहा है। ये वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके फैलाइए, और अपनी प्राचीन सभ्यता अपने बचाने में, जो हम अभियान चला रहे हैं उसे बचाने में हमारा आप सहयोग करिए। तो आगे बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर। आकाश, पीछे सड़क, खींच ना लगाना। ये देखे दोस्तों, क्षत्रिय प्रणाम में मुद्गर घुमाने का अभ्यास, भस्त्रिका और कुंभक। जैसे कि आप देख सकते हैं, होल्ड, इतना वाला मसल, यानी आर्म्स आ गया, इसमें ट्राइसेप्स आ गया, शोल्डर आ गया, स्पाइन, लैट्स, इसके अंदर और स्पेशली आर्म्स के अंदर इधर गिर रहा आकाश वजन। डंबल मारने की जरूरत नहीं है, जो अपना समतोला मुखी है जिसको आज डंबल बोला जा रहा है, उसका आपको अभ्यास करने की जरूरत ही नहीं है। अगर ये कितना अंदाजे से कितना वजन गिर रहा आकाश होल्ड कर रहे तो 5 किलो गिर रहा है, जबकि है ये 2 से 3 किलो, और लग रहा है इसमें, मैं खुद कर रहा हूँ अभी, 8 से 10 किलो डंबल उठाए ऐसा फील हो रहा, ठीक है। तो ये था पहला अभ्यास, आइए बढ़ते हैं दूसरे अभ्यास की ओर। दोस्तों अब की बार और कठिन अभ्यास, जिसके अंदर आपको कपालभाति बैठक मार के कुंभक लगा के मुद्गर अभ्यास करना है। कपालभाति मारे बैठक लगा के नीचे जाके आपको मुद्गर का अभ्यास करना है। श्वास पूरी बाहर फेंकने के बाद बाहरी कुंभक लगा के आपको मुद्गर घुमाना है। आगे चल के बताते रहूंगा आपको इसके फायदे। लगाओ आकाश, 3-4 लगाओ, पीछे भी लेके भीतरी कुंभक करो। गिर रहा, मजा आ रहा, हालत ढीली हो जाएंगी दोस्तों, आपका मसल्स आप ये करिए, उसके बाद खुद भी फील करिए। तो ये थी कपालभाति बैठक, आगे बढ़ते हैं अगले अभ्यास की ओर। अब इसके अंदर हनुमान बैठक लगा के घुमाना है आपको। आकाश, हनुमान बैठक डाले, श्वास बाहर फेंके, बाहरी कुंभक जितना आपसे हो सके उतना, सामने जितना हो सके उतना मुद्गर का अभ्यास। सांस पूरी बाहर फेंकने के बाद घुमाना है ये, श्वास खींचे, श्वास फेंके, कुंभक लगाते हुए मुद्गर का अभ्यास।
इससे आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगर आप कुछ नहीं करेंगे भी तो भी आपको बॉडी में शेप आना स्टार्ट हो जाएगा आपके कोले। यानी ये बजरंगबली के नाम की बैठक जो कि आपको बहुत शक्ति प्रदान करेंगी। कुंभक लगा के मुद्गर का अभ्यास, ठीक है। ये थे मुद्गर के बारे में जानकारी देते हुए सिर्फ दो अभ्यास बताया मैं आपको। अब बढ़ते हैं अपने दूसरे समतोला के ऊपर और अंत में बताऊंगा मैं आपको गदा अभ्यास, जो कि सबसे ज़्यादा कठिन, अगर देसी अभ्यासों में अगर आप प्राणायाम में आए या क्षेत्रीय प्राणायाम में आए या अखाड़े की एक्सरसाइज में आए तो सबसे कठिन रहेगा गदा अभ्यास। आइए बढ़ते हैं समतोला की ओर। फिलहाल तो बढ़ते हैं समतोला की ओर। ये देखिए दोस्तों, ये है समतोला का अभ्यास, जो कि प्रॉपर तरीका ये है। आपकी कमर इसके अंदर झुकना नहीं। कई सारे लोग गलती क्या करते हैं, अपनी कमर झुकाते हैं ऐसा अंदर, उनकी 99% चांसेस उनको इंजरी होने की है। छोटे मोटे वजन से वो लोग कर रहे हैं तो उसमें उनको उतना फ़र्क नहीं कर रहा। यही अभ्यास अगर वो लोग ज़्यादा वजन से करें, टक को बोल के उनको स्लिप डिस्क किया आया था, तो उसका सही तरीका सामने देखते हुए नीचे नहीं झुकाना है। अगर आप नीचे झुका रहे, नीचे झुको आकाश, एक मिनट ऐसा करते लोग, यानी इसको पूरा बेंड कर दे रहे। देखिए आपकी कमर में दर्द हो रहा है, ये देखिए, ये आपको कमान ठहरे जैसा ठहर जाती है आपकी कमर इधर। वही अगर आप जैसा मैं बताया कमर को सीधा रखते हुए सामने देखते हुए, तो यहाँ पर मांसपेशियों में इसका वजन नहीं रहेगा। जब आप इधर आओ, इधर साइड में आओ दोस्तों, यहाँ पर झुकने से कुछ भी मांसपेशी पे वजन नहीं गिर रहा, यानी कुछ भी प्रभाव नहीं गिर रहा, और आपकी कमर की हड्डी जो रीढ़ की हड्डी रहती उन्हें बेंड हो जा रही। लेकिन जब मैं इसको आपको सीधे से करने के बता रहा हूँ, गर्दन सीधी रखो आकाश, कमर सीधी, जब आपको मैं ये स्टाइल बता रहा हूँ ऐसा हो, ये देखिए कमर के ये दो मसल्स एकदम घट हो गए। थोड़ा झुका आकाश, ये देखिए यहाँ पर मसल जाकर आपको सीधा कमर पर वजन गिरेगा। अगर आप थोड़ा गौर से देखें तो आपको यहाँ पर गैप कुछ भी नहीं दिख रहा अभी। इधर थोड़ा जूम करिए, यहाँ पर कुछ भी गैप नहीं दिख रहा अभी। लेकिन कमर जैसे हम सीधा करते हैं, यहाँ पर देखिए कैसा गैप आ जाएगा। सीधा करो कमर, थोड़ा झुको, कमर सीधी रख के झुको। बस ये देखिए दोस्तों, ये मसल, यहाँ के मसल एकदम खड़े हो गए। आकाश कमर पे गिर रहा वजन? आकाश कमर पे गिर रहा वजन? नहीं गिर रहा, मसल पे गिर रहा ना? नहीं। ये देखिए दोस्तों, मसल के ऊपर गिरेगा तो कमर झुका कर करना। देखिए कमर झुक रही तो यहाँ पर हड्डियाँ भी दिख रही कमर की। ये तरीका एकदम गलत। जब आप इसको ऊपर ले रहे श्वास खींच रहे, जब आप नीचे ले रहे श्वास छोड़ते हुए अंदर लेके जाना, पूरा कमर को थोड़ा सा टेढ़ा करते सीधा रखते हुए, पूरा बिंड नहीं करना है आपको इसको रॉड के तरह। आपको नहीं तो चांसेस पूरे हैं कमर टूटने के। घुमा, थोड़ा स्पीड घुमा और नीचे ले आओ, शाबाश, और नीचे। आकाश इससे साइड में, ये देखे दोस्तों, ये बहुत पावरफुल 206 हड्डियों के लिए, पूरे ऑर्गन्स के लिए, साथ ही साथ मसल के लिए। इसके अंदर भी आपको आपकी जितनी हो सके उतनी कमर सीधी रखनी है। आपकी कमर ऐसा करेंगे फुल चांसेस से टूटने के। ये है समतोला से बैठक। तो दोस्तों ये थे दो मुद्गर के अभ्यास, दो समतोला के अभ्यास। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आएंगे। और बढ़ते हैं आज के सबसे कठिन अभ्यास की ओर, जो कि है गदा अभ्यास। ये देखिए दोस्तों, ये है गदा, जो कि मुद्गर ना तो इससे मेल खाता, ना ही समतोला इससे मेल खाता। सबसे पहले गदे को प्रणाम करते हुए, जो ले रहे हमसे गदा,
और जो गधे के बारे में जिनको स्टार्टिंग में बेसिक में यानी जो जिनको नॉलेज नहीं है ख़ास तौर से उनके लिए, वो लोग गधा भी लेकर इस तरह से घुमाते हैं। एक हद तक आपको असर देंगे नहीं, जो चीज़ आप ले रहे हो उसका 100% रिजल्ट आना अपने को, ये नहीं बस ले लिया अपन और लेके घर में उसको शोपीस के सर का रख दा ले, नहीं पूरा मज़ा लेना उसका, यानी उसका अच्छे से अच्छा अभ्यास करना। शुरुआत में ये नहीं, शुरुआत इसकी ऐसा ये जब आप इसको इधर पीछे ला रहे सांस खींचना है, जब आप नीचे से लेके जा रहे इसको, अगर सीधा सीधा समझाऊं आपको मैं तो, कई सारे क्रिकेटर्स यानी जो गली गली में भी क्रिकेट खेलते छोटे अपने भाइयाँ सिक्सर इधर से यानी दोनों हाथों से सिक्सर, अगर आपको समझाऊं जल्दी आसानी में आए तो, ये है सिक्सर, जब खींच रहा हूँ इसको पीछे, जब इसको पीछे ले रहा हूँ तो सब श्वास खींच रहा हूँ, जब सामने नीचे से ऊपर उठा रहा हूँ तब श्वास फेंक रहा हूँ। वैसा ही इसको अंदर ये था बेसिक, उसके बाद ऐसे ऐसे इसको शुरुआत में अगर कठिनाई हो रही किसी को तो इसको शुरुआत में ऊपर से पकड़ के ये करिए, जैसे जैसा ताकत आ रही नीचे, देखिए कैसा मज़ा आता आपको, पूरा भरपूर आनंद देंगे इन्हें आपको, ताकत पूरी आ गई, नाक को लगा के सामने ले आना, ये खेल नहीं है बच्चों का, इसमें तेल निकल जाता है अच्छे अच्छों का, गदा है ये गदा। ये था दूसरा अभ्यास, आइए वो अभ्यास होने के बाद इसको दोनों हाथों में पकड़ते हुए आपको घुमाना, ये जब इसको मैं ऊपर की ओर ले जा रहा हूँ सांस खींच रहा हूँ, जब साइड में ले रहा हूँ तो सांस पूरी छोड़ते हुए बाहर यानी कपालभाति मारते हुए मेरे पेट में एक मंथन हो रहा, जब इसको ऐसा लेके पलट रहा हूँ मैं तब एक मंथन हो रहा, जैसे कि देखिए आप, पैर आगे पीछे डालना इसके अंदर आपको जरूरी, ये देखिए पूरा पलटना, शस्त्र जिनका स्वयं बजरंगबली कहा था, ये बजरंगबली के बारे में तो आपको सभी को मालूम है, क्या बताऊं मैं, हर पहलवान के अंदर बजरंगबली की छवि आती है, अगर वो सही लंगोट का सच्चा यानी लंगोट, हर पहलवान के अंदर बजरंगबली की छवि आती, अगर वो नज़र का सच्चा और लंगोटी का पक्का है तो उसके अंदर बजरंगबली की छवि खुद ब खुद आती, यानी अपनी नज़र साफ रखना, किसी पे गलत नज़र नहीं डालना और लंगोट का पूरा नियम पालन धर्म अपनाना। तो कपालभाति मारते हुए लगाना है आपको इसके अंदर, कुंभक भी लगा सकते हैं, लगा ना सकते नहीं, कुंभक भी लगाना ही लगाना है, जब आप इसको ऐसा पीछे आके रोक रहे कपालभाति मार के बाहरी कुंभक। देखिए दोस्तों, पहले जब हल चलता था खेतों के अंदर तो बैल उसको चला जाते थे, आज ट्रैक्टर उसकी जगह ले लिए, लेकिन बैल देखिए अगर आप कभी, जो मेरे अभी भी आज भी किसान भैया है, जब बैल हल खींचता
तो वो कुंभक लगा के खींचता, अपनी सांस पूरी रोक के उन्हें दबा आगे खींचता। कोई भी भारी से भारी वजन उठा रहे तो ना तो वो सांस खींचते ना तो सांस छोड़ते, वो लगाते सिर्फ कुंभक। कुछ भी वजन उठा रहे, सांस रोक के आप वजन उठाते तो इसके अंदर, कुंभक के अंदर इतना ताकत है, बड़े से बड़ा कार्य भी आपको आसानी कर देगा, जज्बात आ जाएंगे आपके अंदर। सबसे ज़्यादा कठिन बाहरी कुंभक, बाहरी कुंभक अपने अंदर के रोगों को मारने के लिए काम आता, भीतरी कुंभक कोई भारी से भारी चीज़ उठाने को आपको काम में आता, क्षमता बढ़ाता, आपकी स्टैमिना को देता, आपकी बॉडी को। तो याद रखिए, बाहरी कुंभक आपसे बीमारियों को लड़ने के लिए काम आता, भीतरी कुंभक आपको वजन उठाने का काम आता, आपको क्षमता प्रदान करता। दोस्तों अभ्यास बहुत है, आने वाले वीडियोस में आपको मैं शेयर करते रहूँगा। आज आपको मुद्गर के दो अभ्यास बताया, समतोला के दो अभ्यास बताया, गधे के तीन अभ्यास बताया। तो दोस्तों ये थे, गधा अलग है, मुद्गर अलग है, समतोला अलग है। इस वीडियो में मैं आपको तीनों की जारी देने का प्रयत्न किया। बहुत जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में। हम चाहते हैं कि देश में कोई भी कमज़ोर नहीं रहना, हर कोई बलवान रहना। बहुत जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जय महाकाल।